हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। कैरेबियन प्रीमियर लीग 2019 में कल सुबह खेला जाएगा मैच नंबर 3। कल सुबह 5:30 बजे मैच है। अच्छी न्यूज़ ये है कि 5:30 बजे है, ज़्यादा जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, तो आराम से 5 बजे का अलार्म लगाओ या 5:15 का भी अलार्म लगाओ और अपनी टीम एडिट कर लेना। एडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम बनती है कम से कम 2 या 3 प्लेयर जो होते हैं वो बाहर होता है। एक तो कहीं ना कहीं कन्फर्म होगा कि एक प्लेयर नहीं खेलता, ऊपर नीचे होता है, इतनी ज़्यादा न्यूज़ मिलती नहीं है। तो कोशिश करेंगे जितना अच्छी से अच्छी वीडियो बने, जितना अच्छी से अच्छी टीम बने, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स और जमाइका तालावाहा के बीच में मैच होने वाला है। अब देखो, जमाइका के लिए वापस आ चुके हैं क्रिस गेल। लास्ट ईयर तक किसी और टीम से खेल रहे थे, अब जमाइका में वापस आ चुके हैं और जमाइका से 2 सीज़न जीत भी चुके हैं। और वहीं अगर हम देखें, कारन पोलार्ड ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स, मतलब ट्रिनिदाद के ये प्लेयर हैं असली में अगर हम देखें, और ट्रिनिदाद से कभी खेले नहीं थे और इस सीज़न ट्रिनिदाद ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स से खेल रहे हैं। तो दोनों को दोनों अपने घर पे आ चुके हैं एक तरह से अगर हम देखें। और वहीं अगर हम बात करें तो ये ट्रिनबैगो नाइट राइडर के जो ग्राउंड है, होम ग्राउंड, उस पर मैच होने वाला है, क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिदाद पे। 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें 3 बार बैट फर्स्ट, 3 बार बॉल फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल 130, एवरेज सेकंड टोटल 123। तो 6 मैच में ज़्यादा कुछ हमें पता चलता नहीं है। हाईएस्ट टोटल 160 के करीब था, लोएस्ट टोटल 105। अब बात करते हैं पिछले साल CPL की। देखो, पिछले साल जब CPL के यहाँ पर मैचेज हुए तो लगभग हर मैच में 200-200 बन रहे थे। 5 मैचेस टोटल खेले गए थे, 194 रन यहाँ पे एवरेज स्कोर था, और हाईएस्ट स्कोर जो था वो 225 के करीब था और लोएस्ट स्कोर जो था वो 95 था। पार्टी क्लाउडी आज भी रहेगा वेदर, थोड़ा सा हमें मतलब दूर रहेगी बारिश मैच से, मैच में नहीं दिखाई देगी बारिश। देखो, लास्ट मीटिंग की बात करते हैं इन दोनों टीमों के बीच में। एक ज़बरदस्त मैच हुआ था पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच में। TKR ने, ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स ने, यहाँ पर 223 रन बना दिए थे 6 विकेट खोकर के, जिसमें कॉलिन मनरू के यहाँ पे 61 रन थे। लास्ट ईयर कॉलिन मनरू जबरदस्त फॉर्म में थे यहाँ पर। फिर आप देख सकते हो, मकलम के यहाँ पे 56 रन थे। आंद्रे रसल ने यहाँ पे हैट्रिक ली थी। देखो, कुछ दिनों पहले एक वीडियो में मैंने बोला था कि 2 ही ऐसे प्लेयर हैं शायद T20 में, इंटरनेशनल हो या कोई सा भी T20 हो, जिसने 100 भी बनाई है और हैट्रिक भी ली है। एक थे जो डेनली, कैंट के लिए उन्होंने सरे के अगेंस्ट एक करा था ऐसे करके, 100 भी बनाई थी और हैट्रिक भी ली थी। और उसी के कुछ दिनों बाद ही पिछले साल जमाइका तालावाहा से खेलते हुए आंद्रे रसल ने 100 भी बनाया था और एक हैट्रिक भी ली थी। तो ये 3 विकेटें, एक ये थोड़ा सा यूनिक रिकॉर्ड है। फिर आप देख सकते हो, इमाद वसीम की 1 विकेट थी। जमाइका तालावाहा ने एक तरह से मैच डूबा हुआ मैच था वो निकाल दिया था। आंद्रे रसल ने शुरू में विकेट गिर गई थी और 225 रन चेस करने थे, और फिर रसल ने 121 रन की इनिंग खेली, जिसमें कैनर लुइस ने भी 51 रन बनाए। अली खान ने 3 विकेट ली थी इस मैच में और 2 विकेट फवाद अहमद की भी थी। तो पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था यहाँ पर जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी। प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी, देखो, शायद अभी भी वापस ना आए डीएम ब्रावो। अगर डीएम ब्रावो वापस आते भी हैं तो वो वेबस्टर की जगह आ सकते हैं। वैसे नारायण और सिमंस ही ओपन करेंगे। फिर 4th नंबर पे आप देख सकते हो दिनेश रामदीन आएंगे, जिमी नीशम नंबर 5 पे आएंगे, फिर पोलार्ड नंबर 6 पे हैं। देखो, जिमी नीशम और ये पोलार्ड, ये कभी भी ऊपर आ सकते हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि ये जो बैटिंग लाइनअप है ये फिक्स है। अगर इनको लगता है कि हाँ भाई आज मौका है, तो ये ऊपर आ जाएंगे, नीशम और पोलार्ड। और खासतौर से पोलार्ड कभी भी ऊपर आ सकता है। अगर ऊपर पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर नंबर 3 पे भी पोलार्ड आपको देखने को मिल सकता है। फिर जेवन सीरल्स हैं यहाँ पे, 2 बार जेवन सीरल्स आ गया, आप ऐड कर सकते हो, एक प्लेयर होगा कोई ना कोई यहाँ पर। एक बार मैं जरा एडिट करके डाल देता हूँ, फिर से वापस आते हैं। हाँ, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जेवन सीरल्स 2 बार लिख दिया गया था, पर अब सीकू के प्रसन्ना आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो सीकू के प्रसन्ना जो कि श्रीलंका ऑलराउंडर हैं, फिर खैरी पीर हैं, फिर आप देख सकते हो एंडरसन फिलिप हैं और मोहम्मद हसनैन हैं। मोहम्मद हसनैन अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना। तो लगभग जो टीम खेली थी पिछले मैच में, लगभग वही टीम भी आज खेल सकती है कल के मैच में, कल सुबह के मैच में। जमाइका तालावाहा का जो टीम है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। देखो, क्रिस गेल चैडविक वॉल्टन के साथ ओपन कर सकते हैं या फिर जॉर्ज वर्कर के साथ ओपन कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद जॉर्ज वर्कर के साथ ना ओपन कर जाएं, वैसे यही 2 हैं। और अगर हम देखें तो ग्लेन फिलिप्स भी ओपनर हैं, तो उनके पास अगर हम देखें तो 4 ओपनिंग बैट्समैन हैं, और इन 4 में से कोई भी 3 में से कोई भी एक ओपन कर सकता है। गेल तो खैर ओपन ही करेंगे, तो ये ऑप्शन है। बाकी टॉस जब होगा सुबह 5 बजे तक तो खैर उठ ही जाएंगे। अभी तक 3 बजे उठे हैं, 4:30 बजे उठे हैं, तो 5 बजे तो बनता है उठना। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, आंद्रे रसल ज़बरदस्त फॉर्म है, बैटिंग करने आएंगे ही, चाहे खतरा हो टीम के ऊपर, चाहे पार्टनरशिप लगी हो अच्छी, लास्ट में बैटिंग करने रसल की बैटिंग आ जाएगी। बस ये हो सकता है बैटिंग इसलिए ना है कि चेज़ कर रही हो और गेल ही चेज़ कर जाए, तो शायद रसल की बैटिंग ना आए, ऐसा हो सकता है। बाकी तो फिर बैटिंग आनी कंफर्म है। बॉलिंग अपने 4 और करेंगे, फिर कैनर लुइस हैं, फिर रोमन पॉवल हैं, जेरोम टेलर नज़र आएंगे इस मैच में, यहाँ पर इमरान खान भी होंगे, फिर शमा स्प्रिंगर होंगे और ओशन थॉमस होंगे। तो ये इनकी प्लेइंग 11 भी ज़बरदस्त नज़र आ रही है।
इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो सुनील नारायण यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जेम्स नीशम इंपॉर्टेंट है, जिमी नीशम, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हैं आंड्रे रसल, क्रिस गेल, कारन पोलार्ड और ग्लेन फिलिप्स। मेरे हिसाब से ये छः प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो रामदीन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, सिमंस अच्छा ऑप्शन रहेगा, वर्कर बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, चैडविक बोल्टन एक अच्छा ऑप्शन है और रमन पॉवल बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शंस है बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए रह सकते हैं। चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तरफ और टीम बनाता है। तो ये था प्रीव्यू, एक बार आपको लेकर के चलते हैं टेलीग्राम चैनल की तरफ भी, ये भी बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह 5 बजे जो उठ करके टॉस होने के बाद टीम आपको मिलेगी वहीं पर मिलेगी। कल की टीम अच्छी बनी थी टॉस होने के बाद, टॉस होने से पहले जो मैंने टीम दी थी उसमें चेंजेस बहुत सारे थे क्योंकि प्लेयर्स नहीं खेले थे, बाकी जो टीम बनी थी उसने अच्छा परफॉर्म किया है और आप देख सकते हो ये वाली टीम भी और ऊपर से अगर हम देखें ब्लास्ट वाली टीम भी। तो आज भी बहुत सारे मैचेस हैं, वीडियो 2 अपलोड हो चुकी हैं, श्रीलंका न्यूजीलैंड वाली अपलोड हो चुकी है जो कि आपने अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो ससेक्स और वुस्टेशर वाली टीम है जो कि 11:30 बजे मैच होगा, थर्ड क्वार्टर फाइनल, तो ये भी आप देख लेना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है टेलीग्राम चैनल का और आ सकते हो, स्पोर्ट्स गुरु जी भी लिख सकते हो टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा ये लोगों कुछ इस तरीके से होगा देखना आप, तो ये ऐसा लोगो आपको नज़र आएगा तो इस पर जाके चले जाना और सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, टीम बनाते हैं, क्या टीम बन रही है। तो कल की एक विनिंग भी आप देख सकते हो जो मैच में आपको दिखा रहा था, 258 पॉइंट्स लगभग हमारे बने थे और अच्छा खासा विनिंग हुई थी। हाँ, तो ये दो जो मैचेस हैं ये अपलोड हो चुके हैं, आपने मिस कर दिए होंगे तो देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे टिनबैगो नाइट राइडर्स और जमैका तालावाहक की, क्या टीम बन रही है। तो टीम जो बनाई है उसमें अगर हम देखें 2 विकेटकीपर लिए हैं जिसमें ग्लेन फिलिप्स आ रहे हैं और दिनेश रामदीन आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों को मैंने लिया हुआ है। चाहो तो रामदीन को हटा भी सकते हो, एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो क्योंकि रामदीन का मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा ऑर्डर फिक्स नहीं है, नंबर 4 पे लास्ट मैच में आए थे और अगर ऊपर से थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि रामदीन आएंगे क्योंकि फिर आप देख सकते हो जेम्स नीशम नीचे बैठे हैं और कारन पोलार्ड नीचे बैठे हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। वो तो कल के जो पिछला मैच हुआ था उसमें ये जल्दी आउट हो गए थे 2 ऊपर के उनके प्लेयर, इसलिए रामदीन आ गए थे, पर ऐसा शायद ना हो तो थोड़ा सा रिस्की भी रहेगा। बाकी अगर हम बैट्समैन की बात करें तो गेल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कारन पोलार्ड को मैंने लिया हुआ है। कारन पोलार्ड को लेने का मतलब है आपने सुनील नारायण को छोड़ दिया, ये डिफरेंस है। मतलब अगर आप कारन पोलार्ड ले रहे हो तो सुनील नारायण ऑटोमेटिकली छूट जाएगा क्योंकि इतने क्रेडिट बचेंगे नहीं। वेबस्टर को मैंने लिया, आप चाहो तो केनर लुइस को भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। बाकी लैंडल सिमंस एक ऑप्शन बनेगा, थोड़े से क्रेडिट हाई रहेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिया हुआ है हमने आंद्रे रसल जो कि हर किसी ने लिया होगा और कैप्टन भी बनाया होगा। जिमी नीशम को रखा हुआ है और रखा हुआ है जॉर्ज वर्कर को, अगर आप हटाना चाहते हो जॉर्ज वर्कर को और लेना चाहते हो सुनील नारायण को तो ऐसा कुछ कर सकते हो, कारन पोलार्ड हटाना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, तो केनर लुइस को लेना पड़ेगा और फिर जाकर के आप सुनील नारायण ले सकते हो। टीम कुछ इस तरह से होगी, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ इस तरह से हो सकती है। वाइस कैप्टन आप यहाँ पर सुनील नारायण को कर सकते हो, एक ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो। तो बाकी जो मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है, उसमें सुनील नारायण नहीं है क्योंकि मुझे कारन पोलार्ड लेना है अपनी टीम में। बाकी टॉस के बाद डिसाइड मैं कर सकता हूँ सुबह क्या होना है, वो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो ये 3 ऑलराउंडर मैंने लिए जिसमें जॉर्ज वर्कर भी हैं, और देखो चैडविक वॉल्टन को मैं ले लूँगा अगर ये ओपन कर गए तो, अगर इनका ओपनिंग दिखाया इन्होंने टॉस के बाद तो मैं चैडविक वॉल्टन को ज़रूर लूँगा क्योंकि T20 में ओपनर छोड़ना नहीं बनता। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्कर थोड़ी बहुत बॉलिंग कभी कभार कर लेते हैं, इनसे बॉलिंग भी करवाई जा सकती है। बाकी हसनैन को लिया हुआ है, कैरी पीर को लिया हुआ है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने ओशन थॉमस को भी लिया हुआ है। तो ये 3 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनको हमने बॉलर्स हैं जिनको हमने रखा हुआ है। यहाँ से ऑप्शन जो बचता है वो जेरोम टेलर का बहुत अच्छा ऑप्शन बचता है, तो जेरोम टेलर की तरफ आप जा सकते हो। और भी नीचे से ऑप्शन है, एंडरसन फिलिप हैं यहाँ पर, जेवन सीरियल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि खेल सकते हैं, जो कि खेलेंगे भी और शायद परफॉर्म भी कर जाएँ। तो कंटिन्यू करके कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, सीधा देखते हैं। यहाँ पर देखो रसल को कैप्टन किया हुआ है, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने रसल को कैप्टन किया होगा, वाइस कैप्टन जिमी नीशम को किया होगा। गेल एक ऐसा ऑप्शन है जो रसल को काट सकता है, अगर आप रसल हटा करके गेल बनाते हो और ये परफॉर्म कर गए तो आप जीत सकते हो क्योंकि थोड़े से कम लोग इनकी तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल T20 में प्रेफर यही करते हैं कि एक बैट्समैन और बैटिंग ऑप्शन और बॉलिंग ऑप्शन दोनों हो, जैसे कि अगर बैट्समैन फ्लॉप होता है तो बॉलर कहीं ना कहीं जैसे कि रसल है थोड़ा सा पॉइंट समय दें। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये चेंज कर सकते हो, गेल को कैप्टन बना सकते हो। यहाँ से ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ से जो ऑप्शन रहेगा वो फिलिप्स का भी एक ऑप्शन रहेगा। तो ये चार ऑप्शन आपके लिए जो मैं है अच्छे ऑप्शन है एक कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के। तो इतना ही था इस वीडियो में, होप ये वीडियो को पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।